हे गाइस वेलकम टू फिट टेक। आज भी लेके काफी कमाल के टेक अपडेट्स को लेके। दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी जो है काफी अच्छा काम कर रहा है और रियलमी 10 प्रो प्लस ये फोन जो है 8th ऑफ दिसंबर को फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाला है। काफी अच्छा फोन निकल के आएगा। वैसे मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है। दोस्तों इसका प्राइस बताया जा रहा है अंडर 25,000 आ सकता है। मतलब सीरियसली प्राइसिंग काफी अच्छी होगी। अंडर 25,000 मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे गाइस यहाँ पे बता दूं अगला अपडेट निकल के आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से। और दोस्तों व्हाट्सएप की जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार हुआ है इतना बड़ा डाटा ब्रीच हुआ है। बेसिकली 500 मिलियन यूजर्स के जो डाटा है मतलब नंबर्स है फोन नंबर्स वो लीक हो चुके हैं। दोस्तों एक ग्लोबली हुआ है टोटल 84 कंट्रीज का। दोस्तों इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है जिसमें 6 मिलियन यूजर्स जो इंडिया के हैं उनका फोन नंबर वगैरह लीक हुआ है। अब दोस्तों यहां पे बता दूं फोन नंबर लीक होना ये सुनने में लगता है कि इससे क्या होगा, लेकिन अभी आपके ऊपर स्कैम्स बढ़ सकते हैं। मतलब आपको व्हाट्सएप पे या आपके उस नंबर से लिंक्ड जितने भी अकाउंट्स हैं उन पे अलग अलग तरीके से आपको मैसेजेस आ सकते हैं। जैसे वो कहेंगे कि आप लॉटरी जीत चुके हो, आप बैंक से बोल रहे हैं, हम यहां से वहां से। आपको डायरेक्ट कॉल्स भी आ सकते हैं जिसमें वो आपसे किसी भी तरीके से आपके बैंक की डिटेल, आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल या फिर आपके ओटीपी लेने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को उनको इग्नोर करना है, किसी को भी अपना ओटीपी तो बिल्कुल शेयर नहीं करना है। बाकी दोस्तों एक नया स्कैम आपको तब निकल के आ गया है, इंडिया में भी चल रहा है, घर घर आके ओटीपी लेके जा रहे हैं। मतलब घर पे आते हैं डोर स्टेप पे बोलते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट आया, आपने ऑर्डर किया था या किसी ने भेजा हुआ है, आपको ओटीपी आया होगा, शेयर कर दीजिए। ओटीपी लेके चले जाते हैं, प्रोडक्ट तो पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन बैंक से सारा पैसा साफ करके चले जाते हैं। इसके साथ में ये भी होता है, कई लोग मना कर देते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया नहीं है, तो बोलते हैं कि हमने जो है जी एक कैंसिलेशन प्रोसेस होता है उसमें आपका प्रोडक्ट डाल देते हैं, आपको एक ओटीपी आएगा उससे कैंसिल कर देते हैं, आप ओटीपी शेयर कर दो। तो किसी भी तरीके से आप अपने फोन नंबर पे आया ओटीपी जो है किसी का शेयर मत कीजिए। कोशिश कीजिए इन लोगों को इग्नोर ही कीजिए, बचे रहोगे नहीं तो आपकी बैंक खाली हो सकती है। बाकी दोस्तों यहां पे आता हूं ट्विटर के ऊपर भी डाटा ब्रीच हुआ है। 5.4 मिलियन यूजर्स का डाटा ब्रीच हुआ है ट्विटर के ऊपर, जिसके अंदर भी कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडीज, नेम और भी थोड़ी बहुत चीजें या काफी सारी चीजें मैं कह सकता हूं गई हैं। देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है। अभी व्हाट्सएप इसके ऊपर क्या बताता है और ट्विटर क्या बोलता है। वैसे ट्विटर तो कुछ बोलेगा नहीं, बोलेंगे गया तो गया कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट्सएप की काफी बुरी चीज हुई है। 500 मिलियन और 6 मिलियन हमारे इंडिया में से बहुत बुरी चीज है। अभी दोस्तों इससे आपको सिर्फ यही बच के रहना है, किसी भी तरीके से किसी के पास भी अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है। वैसे गाइस जीमेल जो है काफी ज्यादा अपडेट हो रही है। लास्ट कुछ आपको डेज से मैंने पहले बताया था कि जीमेल के अंदर नए नए फीचर्स आ रहे हैं। अब दोस्तों इसकी जो सर्च है वो और ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, प्लस इसमें एक कोलैबोरेशन का फीचर आ रहा है, तो ये देखते हैं कैसे काम करेगा, पर काफी अच्छी चीजें हैं। मतलब अभी आपकी जो वर्क स्पेस है जीमेल का वो काफी ज्यादा बढ़िया हो रहा है और आपके लिए एक ही प्लेस पे सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं। गूगल की तो स्पेशली जैसे डॉस का यूज करना है, शीट्स का यूज करना है, अपनी जीमेल चाहिए, आपको मीट चाहिए, जो भी चाहिए, मतलब तो आपका एक ही प्लेस पे आपको मिल जाएगा। वैसे गाइस काफी अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है स्नैपचैट यूजर्स के लिए। वैसे आप लोग यूज करते हो क्या कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं तो कभी चला ही नहीं है। वैसे गाइस यहां पे बता दूं स्नैपचैट जो है प्रोग्रेसिव वेब ऐप लेके आ रहा है विंडो यूजर्स के लिए। तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है। अगर आप स्नैपचैट चलाते हो तो चला के देखिए, आपको काफी मजा आएगा चलाने में, काफी सारे फीचर्स है तो ट्राई कीजिएगा। वैसे व्हाट्सएप की तरफ से एक और अपडेट निकल के आ रहा है। दोस्तों यहां पे बता दूं व्हाट्सएप एक नए फीचर के ऊपर काम कर रहा है जो कि अभी बीटा विंडोज के लिए आना शुरू हो रहा है, मतलब बीटा वर्जन के लिए, ना कि अभी स्टेबल आ रहा है। अब दोस्तों बीटा वर्जन में ये नया फीचर आ रहा है कि आप अपने कॉन्टैक्ट कार्ड को शेयर कर पाओगे। दोस्तों कॉन्टैक्ट कार्ड अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता दूं, जैसे हम फोन के ऊपर अपने कॉन्टैक्ट्स को शेयर करना चाहते हैं तो एक वी कार्ड बना लेते हैं। पता नहीं आप लोगों ने बनाया नहीं बनाया, मैंने भी जब भी अपने कॉन्टैक्ट्स का शेयर करने होते तो वी कार्ड बना लेते हैं जिसमें एक छोटा सा कार्ड हो जाता है जिसमें सारे कॉन्टैक्ट हमारे फिट हो जाते हैं, तो उस कार्ड को शेयर कर सकते हैं। अब ये व्हाट्सएप के ऊपर नहीं शेयर होता है, तो अब जो है ये विंडोज के लिए फीचर आएगा बहुत जल्दी, धीरे धीरे करके शायद एंड्रॉइड और आईओएस के लिए भी आ जाए। तो दोस्तों आज के टेक अपडेट्स यहीं पे होते हैं। वैसे डैशिंग ऑटो पे जाके ऑटो न्यूज को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।